नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आज हम लोग आए हैं जयपुर में, यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वेल नोन है पूरे राजस्थान में और आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं यहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, जो नाम है डॉक्टर प्रवीण चौधरी, और आज हमको जानेंगे बहुत कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में डॉक्टर प्रवीण चौधरी जी का। थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले बड़ा ही छोटी सी क्वेश्चन कि एक रजिस्ट्रार की क्या कार्यभार होता है एक यूनिवर्सिटी में? देखिए सोनी जी, रजिस्ट्रार के पास कार्यभार तो वैसे बहुत सारा होता है, और अगर मैं कहूँ ब्रीफ में कि मैन और मटेरियल को संभालने का काम रजिस्ट्रार का है। रजिस्ट्रार ऑफिशियली देखा जाए तो इज़ द कस्टोडियन ऑफ द सील ऑफ द यूनिवर्सिटी और कस्टोडियन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर मैं सिर्फ आपको एक नया वर्ड कोई कॉइन करके बताऊं कि इस विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार का क्या रोल है, तो आई विल से ही इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ओके, अब सॉल्यूशन प्रोवाइडर का मतलब ये होगा कि आपके पास कोई दुनिया की समस्या आ रही हो, आपके कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो फाइनली आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाइए, 101% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट किसी भी तरह से प्रॉब्लम फेस करता है विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, VGU जयपुर में, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ में अगर ग्राउंड लेवल का स्टाफ आपकी बात को नहीं सुनता है, आप अपने ग्रीवेंसेस लेकर आइए रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। डेफिनेटली इसमें स्टूडेंट्स का मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, भले उनके एकेडमिक से कनेक्टेड हो, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से कनेक्टेड हो, चाहे डिसिप्लिन से कनेक्टेड हो, चाहे फीस से कनेक्टेड हो, चाहे उसकी बुक्स से कनेक्टेड हो, लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम, मेस में खाना, कैंटीन के अंदर चाय, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करता है, दे कैन ऑलवेज कम टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, और रजिस्ट्रार ऑफिस से पक्का है कि उनको सोल्यूशन हर हालत में मिलेगा। VGU जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जयपुर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जी, हम देखें अगर, और जबकि जो VGU फिर भी थोड़ा सा जयपुर के अंदर आकर यूनिवर्सिटी थोड़ी पड़ती है, अगर हम स्टार्ट दिल्ली से हम लोग करते हैं जी, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी यूनिवर्सिटी को इन सब यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से पूछोगे तो वो कहेगा हम तो नंबर वन है जी, सभी कहेंगे ऑब्वियसली, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट फिर भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़। लेकिन हम जो अपने आप को कहते हैं वी आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, तो हम बिना किसी बेसिस के नहीं कहते जी, वो बेस क्या है वही वो जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, जैसे अगर हमारे, मैं आपको बताऊं कि एसोचेम एक जो कि इंडिया के लेवल के ऊपर एक एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिसका नाम पूरा नाम है जी, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को नंबर वन दिया रैंक 2019 के अंदर। इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर वेस्ट इंडिया फॉर 2019। सो उस अवार्ड से हमें नवाजा गया, और ये अवार्ड किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, खुद प्रणब मुखर्जी साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया अपने हाथों से, जिसको मैं ही लेने के लिए दिल्ली गया था उस अवार्ड को। सो हम किसी बेसलेस वेस पे नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल बाकायदा फैक्ट्स के बेसिस पे बोलते हैं कि वी आर द मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वेस्ट। ओके सर, जैसे कि नेट जो रूल स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया था 2016 से ये स्टार्ट हुआ था, नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी, मैंने आपको कई बार सभी स्टूडेंट्स को बताया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट्स को पास आउट करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेट आईडी बनाकर दे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करे। सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ज्यादातर यूनिवर्सिटीज मैंने देखी है अब तक नेट पर काम ही नहीं किया उन लोगों ने जी, ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज इससे क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। अदरवाइज किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, मान लो किसी स्टूडेंट को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उसको वेरीफाई कैसे करें, तो वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक ये डिपॉजिटरी बना दी। तो हम लोगों ने भी टाई अप कर लिया था CVL के साथ, तो CVL के साथ हमने जब टाई अप करा, आप हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ग्रेड कार्ड्स हैं, डिग्रीज हैं, वो हम धीरे धीरे करके ऑलरेडी अपलोड करना चालू कर दिया है। और इसमें मतलब अगर मैं कहूं कि रफली अबाउट 4000 के आसपास जो बच्चे हैं उसमें से करीब हमने 1200 तक ऑलरेडी अपलोडिंग स्टार्ट कर दी हमने। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है कि पहले NSDL और CVL दिए, दो डिपॉजिटरीज होती थी, NDML भी एक कंपनी थी, हाँ वो NSDL था जी, वो उन्होंने अब हटा करके अब सीधा डिजी लॉकर को जी, डिजी लॉकर अभी आ गया, डिजी लॉकर को कर दिया। और मैं आपको बता दूं सभी लोगों, डिजी लॉकर जो आया है वो अभी 2020 का ही अपडेट है, अभी जून का अपडेट है, अगर आप सही से देखेंगे UGC साइट पर जाकर, तो जो डिजी लॉकर के नाम से अभी बन गया है, नेट नहीं रहा है अभी, और जून में अपडेट आया है उसका, अगर आप पूरा अपडेशन चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, वहां से भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सर टोटल स्ट्रेंथ अपनी यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट्स की कितनी है अभी?
रफली अभी अगर मैं कहूँ तो करीब करीब 4,500 अभी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ होती है हमारे पास ऑन इन एनी ईयर। और मुझे नहीं पता इस बार पेंडेमिक की वजह से या लॉकडाउन की वजह से हो सकता है दे मेट बी स्लाइटली कुछ कम होने के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज, बट ओवरऑल अगर हम नए कोर्सेज कुछ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आई थिंक द स्ट्रेंथ विल अगेन बी वी विल बी स्लाइटली बेटर ऑफ। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी जो हॉस्टल में जाके अभी सर्विसेज ले रहे हैं? हॉस्टल में हॉस्टल के अंदर हमारे पास 1100 बच्चे हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के हैं। तो जनरल फीस क्या है अपने हॉस्टल की? वैसे देखा गया है मैंने अगर सब लोगों ने निचोड़ देखूं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का 65,000 to 70,000 का एक चार्ज करती है यूनिवर्सिटी जिसमें हॉस्टल मेस दोनों होता है। अब जानना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी का चार्ज क्या है? देखिए हमारे यहाँ क्या है हॉस्टल्स में अलग अलग स्लैब्स हैं जी, तो बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से उसमें फिर भी वो ले सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000 पर एनम, 60-70 के बीच में हमेशा 60,000 पर एनम से लेकर के 130,000 पर एनम तक का रूम्स अवेलेबल है। तो बच्चा अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से वो रूम्स ले सकता है यहाँ पे। सर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें जी, मैं नहीं बोलता हमारे देश का ही एजुकेशन सिस्टम, पर जहाँ तक हम इंडियन हैं तो इंडिया में रहते हैं, हमने एजुकेशन इंडिया से ही लिए हैं। यहाँ का जो सिस्टम बोलता है एजुकेशन सिस्टम वो ये बोलता है कि यहाँ पर कंपनीज जो आ रही हैं जो बाहर से सेटअप हो रहे हैं इंडिया में या इंडियन जो कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया आज जब हम चले दिल्ली से तो गुड़गांव में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज मांगती है लोगों की एक आए हमारे पास और 10 का काम करें। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर 10 लोग जाते हैं एक का भी काम पूरा नहीं कर पाते। इससे भी ज़्यादा समस्या ये है कि लोगों को जो जॉब दी जा रही है वो डिग्री बेस्ड दी जा रही है, वैकेंसीज आती है लिखा होता है बीटेक चाहिए एमबीए चाहिए, ये भी बहुत बड़ा गैप आ गया है बीच में। तो एजुकेशन जो इतना बिल्कुल डाउनफॉल जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स को कि आप जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो आप पहले यूनिवर्सिटी को ठोक बजा के देख लीजिए कि उसमें पढ़ाई के लायक आपका एनवायरनमेंट है या नहीं है। बट सर जब स्टूडेंट आता है सब अच्छा ही दिखाया जाता है उसको, हमारे हॉस्टल अच्छे हैं, मैथ्स अच्छे हैं, हमारा टीचर फैकल्टी बहुत अच्छी है, बट रियलिटी तो बाद में सामने आती है स्टूडेंट्स की। नहीं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से भी बात करके बच्चा जो एग्जिस्टिंग मालूम, अभी अगर मैं कह रहा हूँ 4,500 बच्चे हैं और कुछ बहुत सारे बच्चे पास आउट भी हो चुके हैं, तो अगर वो बच्चा किसी भी उनसे इंटरेक्ट करेगा या उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ऐसा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कोई भी छुपा सकता हो जी, ऑब्वियसली सामने सब दिखाने के सामने रहते हैं, ठीक है दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बट आप उसकी रियलिटी को छुपा जाओ ये अगर कोई भी सीरियस बच्चा है तो वो स्कॉलरशिप का भी कोई सिस्टम अपनी यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है, मैं बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू स्कोर, इट इज ओनली ऑन मेरिट। हमने नीड कम भी कर रखा है थोड़ा जी, लेकिन नीड का है अगर आपके वाकई कोई बहुत गरीब बच्चा है, जैसे हमारे मैं आपको बताऊं कुछ हमारे यहाँ आदिवासी बच्चों आए थे जो ठेठ आदिवासी थे, उनको मतलब कोई रोजी मतलब उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं हुआ करता था और यहाँ जयपुर में आश्रम में आकर रहे थे, तो ऐसे बच्चों को हम लोगों ने बिल्कुल ही कोई फीस नहीं चार्ज करी, कॉलेज ने उनकी फीस बेयर करी, टोटल माफ करके उनको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है। दोस्तों वैसे मैं आपको सभी को बता दूं कि जब यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप देती है, हालांकि बड़ा क्लियर बताऊं ये थोड़ा सा गलत जरूर बिटर वर्ड जरूर है कि यूनिवर्सिटी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अच्छे परसेंटेज स्कोर करके आए हो, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी फैसिलिटीज देगी, अच्छी एजुकेशन देगी, आप सोचते हो कि नहीं मेरी परसेंटेज 60% है, मैं बीआर में एडमिशन लूंगा, बीटेक में लूंगा और यूनिवर्सिटी मुझे फ्री पढ़ाएगी सारी सर्विसेज देगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाएंगी इंडिया में 60% पर भी 100% स्कॉलरशिप है, बट वहां पर किस तरह ट्रीट किया जाएगा वो आप जाएं यूनिवर्सिटी पहले चेक करें। अब बात करें वीजीयू की, तो यहां पर 100% स्कॉलरशिप का मॉड्यूल है कि नहीं आप कॉल करें, यूनिवर्सिटी विजिट करें, यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मिलें, आकर हॉस्टल देखें, मैथ्स देखें, उसके बाद आप देखें कि एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी और आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी इस यूनिवर्सिटी से या नहीं। पर मैं लास्ट में सर से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि सभी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट पास आउट करके जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, उनके लिए शॉर्ट मैसेज सर का क्या होगा? शॉर्ट मैसेज तो नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग मैसेज जी जरूर जरूर बोलिए, क्योंकि देखिए हमारी यूनिवर्सिटी अगर मैं आपको बताऊं कि हालांकि बहुत पुरानी नहीं है, 2012 के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश है, लेकिन उस छोटे से पीरियड के अंदर ये जो 6 ईयर्स का अबाउट 6 to 7 ईयर्स का जो पीरियड हुआ है, इसमें हमने अपनी ग्रोथ जो है इतनी करी है कि वी आर नाउ अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली इन राजस्थान इवन बियॉन्ड राजस्थान। तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ, हमारे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, चाहे AICTE हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल हो, सबके तरफ से हमारा अप्रूवल्स हैं। तो उन अप्रूवल्स के बेसिस के ऊपर एक चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में जो यूनिक है, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में बताऊँगा,
देखिए एजुकेशन जो है किताबों से नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आप कितना 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 हाथ से काम करता है बच्चा, कितना अपना दिमाग क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करता है, उससे जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है वो हम अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में कराते हैं। देखिए सिलेबस जो है वो एक छोटी सी चीज़ है, सिलेबस तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के आप बच्चे को क्या देते हो, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या आप मदद करते हो बच्चे की, ताकि कल का जब वो जॉब की मार्केट में जाके खड़ा हो जाए या अपना खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो वो उसमें सक्सेसफुल हो, वहाँ कहीं मात ना खाए, उसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। दोस्तों अपकमिंग में जो वर्ल्ड है, आने वाला जो जमाना है, मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे टैग लाइन जो हमेशा बोलता हूँ कि टैग लाइन की वजह से ही फ्रॉड चलते हैं यूनिवर्सिटीज में, कि होता क्या है, कैंडिडेट ने बोला कि बीटेक के मतलब की कंपनी आई, बीटेक ही चाहिए, स्टूडेंट बीटेक के पीछे भागता लेने के लिए, बट उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म तो आप बोल सकते हो चीनी की तरह काम करता है, आपने खाया टेस्ट मिला, पर बाद में ये आपकी दुखदाई है। तो बेहतर है अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, ताकि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। अदरवाइज तो सब जो अभी चल रहा है सिस्टम चलता रहेगा। हमारी मुहिम यही है अच्छी यूनिवर्सिटीज को हम एक्सप्लोर कर सकें, व्यू कर सकें, अच्छे लोगों से आपको मिलवा सकें, आप यूनिवर्सिटी आके विजिट कर सकें। सर एक क्वेश्चन फिर भी हमारा आपका रह गया। एक सोनी जी की बात से बिल्कुल मैं तारुफ रखता हूँ और बिल्कुल सही बात कही है, हर स्टूडेंट को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। कंपनीज के जॉब्स हों चाहे अपना खुद का कोई व्यवसाय स्टार्ट करने की आपकी इच्छा हो, किसी में भी आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आप प्रोवाइडेड आप अपनी तैयारी पूरी रखें। इस बात में एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगर आप उस तरह की तैयारी करके चलोगे तो खुदा भी आपकी सहायता के लिए आगे आ जाएगा। दोस्तों एक बात और है, कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, आप एफर्ट्स करो, अच्छी मेहनत करो, जो मेहनत नहीं करते उनको अच्छी राह कभी नहीं मिलती। आप सोच रहे हो घर बैठे मुझे मिल जाएगा और मैं सोच लूंगा थोड़ी पढ़ाई कर कर मैं फर्जी डिग्री पर, आप जॉब तो ले सकते हो बट सक्सेस नहीं ले सकते, सक्सेस आती है मेहनत से। आप अच्छी मेहनत करें, अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। सर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो टैगलाइन आ गई है कि बीटेक होगी तो ही जॉब मिलेगी, स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही कंपनीज को, ये कंपनी को वो क्वालिटी कैसे मिले? या फिर हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ फैला हुआ है अब्रॉड जाके पढ़ने का जी। हम लोग देखते हैं एमसीआई को, हम लोग देखते हैं एमबीबीएस करने लोग बाहर जा रहे हैं कि फीस छोटी है, हालांकि वो एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक मैटर है, मैं उसको छेड़ूंगा तो नहीं, बट ये जरूर बोलूंगा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कैसे करें, ताकि जहां भी जॉब मिले तो उसकी क्वालिटी पर मिले, ना कि उसकी डिग्रीज पर मिले। आपकी बात का मैं एक बिल्कुल उदाहरण के साथ जवाब देना चाहूँगा जी। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर एजुकेशन क्या सारी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा कि हम नो लॉकडाउन ऑन एजुकेशन, इस प्रिंसिपल को लेकर हम आगे चले। ऑनलाइन एजुकेशन तुरंत हमने स्टार्ट करी, तुरंत अपने फैकल्टीज को ट्रेन किया और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करी। इसके अलावा हमने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, चाहे वो TCS हो, चाहे इन्फोसिस हो, एक्सेंचर हो, इन सब के एक्सपर्ट्स को भी हमने अपने यहाँ बुलाया, बिकॉज बच्चों को सबसे पहले डर ये था कि लॉकडाउन होने के बाद, क्योंकि कंपनीज बंद हो गई हैं, तो जो प्लेसमेंट हुआ है उस बेचारे को नौकरी पे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, या आगे के लिए प्लेसमेंट की हमारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी कि नहीं। तो उस मुद्दे को लेकर के हमने बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाया है मेरे दिल में, जो शायद आप जवाब दे पाओगे। छोटी सी और चीज कहना, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने जो कहा वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हमारे को ये बोला कि अगर हम आपके कैंपस में नहीं आ रहे हैं डरो मत, हमने अपने पोर्टल्स खोल रखे हैं, आपके अंदर अगर दम है आप अपने हमारे पोर्टल्स पे जाओ और ये प्रोजेक्ट हमने डाल रखा है, आप उसमें काम करना चालू करो, आपने अगर सक्सेस दिखाई तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट 101% घर बैठे देंगे, घर बैठे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो डरने की बात नहीं है बच्चों के लिए, कोई डरने की बात नहीं है, तैयारी की बात है। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं जी, क्योंकि अभी काफी टाइम आपको ले चुका हूं, बट मैं लास्ट क्वेश्चन जरूर चाहूंगा पूछना, हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें या बात करें यूनिवर्सिटी में आकर जो स्टाफ पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को जी, उनमें से शायद 70% ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोग की ऑनलाइन की तरफ गए हैं या फिर वो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। ज्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे वैसे ही मॉड्यूल पे एग्जाम्स हों, हम जाएं अपने एग्जाम दें और आगे निकल जाएं, क्योंकि एपिडेमिक ऐसा आएगा लोगों को पता ही नहीं था, अब आ गया तो लोगों को मतलब स्टूडेंट के सामने डील करने में आपको कैसी प्रॉब्लम सामने आई ऑनलाइन एजुकेशन देने में? देखिए मैं सच बता रहा हूँ, आज का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा इंटरनेट यूजर है जी और टेक सेवी है जी। तो इन बच्चों को हमें मोल्ड करना ऑनलाइन की तरफ, उस ब्रिक एंड मोटर क्लास से निकाल करके ऑनलाइन क्लासरूम में लाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर बच्चे 70% क्लास में आती थी, अटेंडेंस होती थी, तो ऑनलाइन के तो 90% से प्लस हमारी अटेंडेंस हो गई जी।
सभी लोग ऑनलाइन फाउंड ऑफ हो चुके हैं सभी। बहुत उनको बड़ा कन्वीनियंट लगा ये बात जी। सो आजकल के स्टूडेंट के हिसाब से बड़ी वेरी कन्वीनियंट। क्या अपना कोई फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा पेज है जहाँ से स्टूडेंट डेली अपडेट ले सके आपकी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स वो हैं, पेजेस हैं, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, उन सब के ऊपर अपडेट्स डे टू डे बेसिस पे मिलते रहते हैं और बच्चे उस पर कनेक्टेड रहते हैं। बल्कि बच्चे खाली उससे नहीं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी हमने क्या एक मेंटरिंग स्कीम चला रखी है जिसमें करीब हर फैकल्टी मेंबर के पास करीब करीब 30-30 बच्चों का लॉट है। उस 30 बच्चे की हर एक हिस्ट्री ज्योग्राफी उस फैकल्टी मेंबर को पता होती है, तो वो फैकल्टी मेंबर उन 30 बच्चों से डे टू डे बेसिस के ऊपर उनका अपडेट लेता रहता है और देता रहता है। सर, स्टूडेंट्स को लास्ट में जो अभी एपिडेमिक के बाद एडमिशन लेंगे, ऑब्वियसली बात है काफी दिल में क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स के दिल में होगी और अभी पता नहीं एपिडेमिक कब खुलेगा, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर या हो सकता है और लंबा चला जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को घर पे रहकर वो अपनी एजुकेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं तो एक पॉजिटिविटी में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ, तो ये जो एपिडेमिक ने जो चैलेंज दिया है, लॉकडाउन होने की वजह से जो चैलेंजेस हुए हैं, सारी दुनिया के अंदर चैलेंजेस हुए हैं, इन चैलेंजेस को जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, इनको आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उस क्रिएटिविटी के अंदर अपना दिमाग लगाएं। उसमें अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो 101% बता रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि आप एजुकेशन के बाद 101% यू विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, नॉट ओनली इन इंडिया बट मे बी थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज की इस तारीख में इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो गई हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज पैंडेमिक से पहले कभी नहीं थी। ये अपॉर्चुनिटीज जो इतनी सारी खोल दी हैं इस पैंडेमिक ने, उन अपॉर्चुनिटीज का मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और सलाह देता हूँ, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज़ करो और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ कि हाँ, वी आर द बेस्ट, इंडियंस आर द बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपने सब कुछ जाना सर के थ्रू, और मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सबसे बुरा वक्त ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है आपके जीवन में। बुरे वक्त को ऐसा ना देखें कि वो बुरा वक्त आ गया, वो मेरे साथ ही क्या था, पूरे वर्ल्ड के साथ था। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जॉब चली गई लोगों की, बहुत बड़ा क्रैश हो गया, सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ चीजों को देखा जाए, तो इसमें से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर निकालें और उसको यूज करें फ्यूचर में, ताकि आप अच्छे इंसान बन सके।